ऐसे करना है और ऐसा करो, फिर ऐसा करो, और उसके बाद ये देखो पहाड़, ये है तितली, ये पारा। क्या और भी कुछ बना सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ टना एक सीढ़ी। अरे नोबिता, बहुत खुश लग रहे हो। जियान और सुनियो, तुम अभी तक बच्चों वाली गेम्स खेलते हो, तुम कब बड़े होगे नोबिता? तो क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, ये तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं हैं, समझे? इससे पहले वो और सवाल पूछे हमें निकल जाना चाहिए। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा नोबिता, तुम यहीं खेलते रहना। ओके बाय, फिर मिलेंगे। कितने अजीब हैं। कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। मैं तो भूल ही गया, मुझे तो जल्दी घर जाना था। अरे अंतरिक्ष वाला नाटक आना था। अंतरिक्ष वाला नाटक? मुझे भी जाना है, माफ करना, बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय 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 बाय। जल्दी जल्दी। अपने दिल में देखो तो तुमको भी हमेशा दिखाई देगी, दिखाई देगी एक ऐसी दुनिया जहाँ हो सपने पूरे, कहीं तो होगी हेलीकॉप्टर। आसमां में उड़ के जाएंगे हम कहीं भी, और चाहे दूर कितना ही। आओ दिल के दरवाजे खोल के पाले हर खुशी, हर खुशी। जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या ये सब भूल जाएंगे? मैं हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस जियान, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो तो राजकुमारी शिजुका है। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी को छोड़ दो। तुम आ गए? तुम तो एक छोटे से नोबिता हो, सुनियो। मैं आ रहा हूँ सर। ये लो। ये क्या? अरे इसे जीतना नामुमकिन है। आपको कहीं चोट तो नहीं आई?
बिल्कुल नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। सच में हीरो बनना कितना अच्छा है ना। नोबिता, नोबिता वहाँ से हटो, मुझे जो मूवी देखनी थी वो अब शुरू होने वाली है। अच्छा, ये क्या लगा रखा है? हाँ, वीडियो। अरे वाह, मैं समझ गया। मुझे आराम से मूवी देखने दो। मैं बाहर जा रहा हूँ मॉम। पर क्यों जा रहे हो? मैं हीरो बनने जा रहा हूँ। सड़क पर ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मॉम। हीरो बनने? कितना अच्छा होगा अगर हम हीरो मूवी बनाए। सबसे पहले शिजुका को बताता हूँ। वो तो जियान के घर गई है। हाँ, जियान के घर गई है। दोनों सुनियों के घर गए हैं। हाँ, वो दोनों सुनियों के घर गए हैं। वो पहाड़ी के पीछे गए हैं। तीनों पहाड़ी के पीछे गए हैं। समझ नहीं आ रहा ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अंतरिक्ष के राक्षस बहुत हो गया। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, समझे? अंतरिक्ष को बचाने के लिए हम बुराई को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम तीनों हैं यहाँ के हीरो। हम हैं अंतरिक्ष के रखवाले। कट कट। हमने इस सीन के लिए कितनी मेहनत की थी। सुनो दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आया अब तक? हम एक मूवी बना रहे हैं। हाँ, क्या कहा, मूवी? मेरे डैड एक नया प्रोफेशनल कैमरा खरीद कर लाए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सुपर हीरो मूवी बनाई जाए जो सबसे अच्छी हो। ये गलत बात है, मुझे बताए बिना मूवी बना रहे हो। हमें नोबिता को भी बताना चाहिए था। लेकिन शिजुका, नोबिता तो कहीं से भी हीरो नहीं लगता। अगर नोबिता हमारी मूवी में आया तो मूवी फ्लॉप हो जाएगी। तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? नोबिता को भी इस मूवी का हिस्सा बनने दो। अब क्या करें हम सुनियो। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास नोबिता को देने के लिए एक रोल है। सच में? याऊ। अंतरिक्ष के राक्षस नोबिता, तैयार हो जाओ। तुम मुझसे नहीं बचोगे। उम्मीद करता हूँ अब तुम सुधर जाओगे। शानदार किक। अब तुम समझ गए ना मेरी ताकत को। उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। डायलॉग में कुछ मजा नहीं आया। लगता है तुम्हें किसी की मदद चाहिए। डोरेमोन, एक्शन सीन में थोड़ी सी कमी थी, इसमें ऐसा भी होना चाहिए था।
क्या नोबिता, तुम यहाँ पर डोरेमोन के साथ हमें परेशान करने आए हो ना? मैंने कुछ नहीं किया समझे? अगर मूवी ही बनानी है तो मेरे ख्याल से बढ़िया मूवी बनानी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? ग्रेड ऑफ लाइट। इससे क्या होगा? अगर ये लाइट किसी चीज पर डाली जाए तो वो असली जैसी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं ये शिजुका के कॉस्ट्यूम पर डालूं तो दिख रहा है। जरा कूद कर दिखाओ। कूद के दिखाओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या कुछ गड़बड़ है? जरा और जोर से कूदो ना। शिजुका उड़ रही है। कैसा लगा दोस्तों? अब बनेगी एक कमाल की मूवी। मैं तो डर ही गई थी। बहुत बढ़िया किया शिजुका। आखिर ये हो कैसे रहा है? हाँ हमें भी बताओ ना। मुझे नहीं बता रहे। हाँ शिजुका, जरा वो पत्थर उठाने की कोशिश करो। क्या ये तो बहुत भारी लगता है, कोशिश करके देख लेती हूँ। शिजुका में बहुत ताकत है। डोरेमोन सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तुम्हारी शक्ति 50 गुना बढ़ गई है। अब देखो ये क्या है, मूवी डायरेक्टर रोबोट। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। जियान इसे खाओ मत। इस मूवी डायरेक्टर रोबोट का नाम है बर्गर। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। सुनो, इसे खुश रखना बहुत मुश्किल है, बस ध्यान रही ये नाराज ना हो। देखो दोस्तों, अगर हम अपने डायरेक्टर को अपनी मूवी का नाम बताएंगे तो हमें जिन चीजों की जरूरत है ये सबका इंतजाम कर देंगे। अगर हम इनके कहने के मुताबिक परफॉर्म करेंगे तो ये हमारी मूवी पूरी तरह से तैयार कर देंगे। लेकिन शूटिंग के लिए कैमरा भी चाहिए। सुना डायरेक्टर साहब। छोटे साइज के कैमरा, ये हमें हर वक्त शूट करते रहेंगे। लेकिन ये बताओ, क्या ये सच में अच्छी मूवी बना सकता है? ट्राई करके देखते हैं। मूवी का नाम क्या रखें? टाइटल होगा नोबिता वर्सेस जियान। बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये है वर्चुअल इमेजेस स्पेस। सुपर हीरो वर्सेस ड्रैगन। चलो शूटिंग शुरू करें। क्या शुरू कर दें? अरे नहीं, ये तुमने क्यों किया? अपने आप बाहर आई है। अरे मैं नहीं कर रहा। ना मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ रुक जा। अरे ये क्या? मत करो नोबिता। अरे बा, अरे बा। हाँ, क्योंकि वो आग नकली थी।
ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नोबिता, तुम नहीं बचोगे। अब तुम तैयार हो जाओ। ये लो। आखिर सच्चाई की जीत हुई। वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह डोरेमोन, चलो साथ में मिलकर कोई मूवी बनाते हैं। चलो ना, चलो ना। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ चलो मिलके मूवी बनाते हैं। हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर तुम मुझे और नोबिता को हीरो का रोल दोगे। हाँ, ना कि मॉन्स्टर का रोल। नोबिता तुम भी ना। हाँ हाँ नोबिता ठीक है, जैसा तुम कहो। ये मैं हीरो बनूंगा। नोबिता हीरो बनकर कितना खुश है। हाँ, एक और बात। अब क्या हुआ और क्या चाहिए तुम्हें? वो ये है कि मैं गैलेक्सी डिफेंस के लीडर का रोल प्ले करूंगा। और मुझे मना करने की हिम्मत ही मत करना। क्या कहा? लीडर का रोल मैं ही करूंगा। तो ठीक है, मैं अपना कोई गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा। देखो जियान, इस सब का कोई फायदा नहीं है। हम डायरेक्टर को बोल के बाद में सीन को एडिट करवा लेंगे जियान। अभी सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, समझ गए ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लीडर का रोल मैं डोरेमोन को देता हूँ। अच्छा हुआ ना डोरेमोन। ठीक है, अब हम मूवी के हीरो बनेंगे। हम बढ़िया काम करेंगे। अच्छी तरह से करना, समझ गए? देखना हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, हम मन लगा के काम करेंगे। तुम सब मेरा पूरा साथ दोगे ना दोस्तों? हाँ। तो ठीक है, हम मूवी बनाने के लिए तैयार हैं। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा है। याहू, तैयार हो? मैंने नाम सोच लिया है दोस्तों, नाम होगा शानदार अंतरिक्ष के हीरो। अरे क्या हुआ इसे? ये कोई बोरिंग मूवी नहीं बनाना चाहता, ये एक कमाल की मूवी बनाना चाहता है। ये सब बातें अभी क्यों बोल रहे हो? असल बात तो ये है कि डोरेमोन के ज्यादातर गैजेट्स बिल्कुल बेकार होते हैं और वो वक्त पर बिल्कुल काम नहीं आते हैं। बिल्कुल सही कहा है सुनियो ने। मैंने क्या किया था? मिस्टर बर्गर, चलो ना साथ में मिलकर मूवी बनाते हैं, ठीक है? शुक्र है ये बहुत आसानी से मान गया। ये एकदम से तैयार हो गया। ये दिखता तो बर्गर की तरह है लेकिन। चुप रहो, इतनी मुश्किल से तो तैयार हुआ है। इसका ही इंतजार था। मुझे पता है ये सिर्फ शूटिंग है पर फिर भी डर लग रहा है। ओहो, कैसे हीरो हो तुम? वो तो है, यही मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। और मैं भी। और मैं भी। अंतरिक्ष के रखवाले और ड्रैगन।
जल्दी नहीं करनी। हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हर बुराई का डट कर सामना करना होगा, और तो और हमारे भविष्य के लिए हमें चुप भी करो, मुकाबले का वक्त है। तो मेरे डायलॉग के बीच में क्यों बोल रहे हो जियान? तुम छोड़ो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होना है। ऐसा मत करो। अरे पर लीडर तो मैं हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। अभी मजा चखाता हूँ। रुक जाओ, वो बहुत खतरनाक है। वो तो यही आ रहा है। इसीलिए कहा था गलती मत करना। तुम्हारा शुक्रिया। ये लो दोस्तों, बैम्बू कॉप्टर्स। अब मेरी बात सुनो, तुम सबका सूट बहुत शक्तिशाली बन चुका है, अब बिना डरे उसका मुकाबला करो। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल सूमो स्किल। वैसे मुझे मॉडल बनाना और मशीन चलाना पसंद है। अरे बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा। मैं आ रहा हूँ येलो। क्यों मजा आया? मैं क्या करूं? हाँ समझ गई मुझे क्या करना है। अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, पर मैं ऐसा कैसे कर पाई समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, सब लोग कमाल कर रहे हैं। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है नोबिता। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। क्या बात है नोबिता? अंतरिक्ष के राक्षस, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। हाँ, पर मेरी खूबी क्या है? अरे हाँ, वो है शूटिंग। तुम गलत हो, तुम्हें तो जीरो लाने के अलावा कोई काम नहीं आता। ऐसा नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। ठीक है, अच्छू अच्छू अच्छू। ये क्या है? अब इसका क्या करूं? ये खेलने का वक्त नहीं है नोबिता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो अब जल्दी से उठ जाओ और कुछ करके दिखाओ। ठीक है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। चलो। तो ठीक है। अब मेरी बारी है। ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। ऐसे ही। जी नहीं आया ये हुआ कैसे। अंतरिक्ष को बचाने के लिए हम सब मिलके सामना करेंगे सब दुश्मनों का। हम हैं पांच हीरोज और हम मिलकर बन गए हैं अंतरिक्ष रखवाले। मेरा डायलॉग कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, तुम तो सच में दुनिया के महान डायरेक्टर हो। क्या बात है। क्या तुम्हें इस बात पर शक था? आज मैं अपने बेहतरीन अभिनय का श्रेय इस डायरेक्टर को देना चाहता हूँ। शाबाश मेरे दोस्त। आप बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं मिस्टर बर्गर।
तुम भी एक बार के लिए हीरो बन गए नोबिता। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये ही क्यों आया? कुछ तो खास होगा इसमें जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। कोई इधर आ रहा है। क्या हुआ? क्या इसे भी हराना होगा? ये तुमसे हाथ क्यों मिला रहा है डोरेमोन? समझ गया, ये हमारे डायरेक्टर का कमाल होगा। तुम महान हो मिस्टर बर्गर, ये एक नई कहानी है ना? शायद ये हमसे कुछ बात कर रहा है। अच्छा एक मिनट रुको। ट्रांसलेशन टू। हेलो, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। हमें बताओ ना, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अंतरिक्ष के रखवालों, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ मेरे ग्रह चलिए और उसको बचाने में मेरी मदद कीजिए। अब लग रहा है कोई अच्छी मूवी बन रही है। देखो, हमें अपने आप को कहानी के हिसाब से ढालना होगा। हम तैयार हैं। हमारे पास जो भी मदद के लिए आता है, हम उसकी मदद जरूर करते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी भी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो। चलो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपको अपने ग्रह ले चलता हूँ। अंतरिक्ष के रखवालो, चलो अब तैयार हो जाओ। चलो, इस बार मैं कमाल कर दूंगा, सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे। प्लीज अंदर आ जाइए। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। अब हमारा ग्रह बच जाएगा, मुझे जल्दी से वापस पहुँचना चाहिए। क्योंकि इस समय हम अंतरिक्ष में हैं। वैसे तो हम लोग नकली अंतरिक्ष में हैं, लेकिन फिर भी स्पेस कैप्सूल। इसे खाने पर हम अंतरिक्ष के अंदर कहीं भी आराम से रह सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम आरोन है और मैं पोकुरु ग्रह से हूँ। मुझे इस समय आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, ताकि मैं अपने ग्रह को बचा सकूँ। तुम्हारी ग्रह पर ऐसा क्या हो रहा है कि उसे बचाना पड़ेगा? दरअसल बात ये है कि अंतरिक्ष डाकू मेरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या अंतरिक्ष डाकू? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। क्या इस नाम की मूवी हिट हो पाएगी? बचाओ जियान! तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, बस करो ना। क्या करूँ, मेरे अंदर का कलाकार अचानक बाहर आ गया। देखो, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है। ओ गुरु ग्रह, अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ तारों का बहुत बड़ा झुंड है। ये एक छोटा सा ग्रह है जो सबसे आखिर में है और इसे रोशनी मिलती है डायमंड स्टार से। हमारे ग्रह पर बहुत ही शांति है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब किसकी सल्यूट करते हैं? आप
आप लोगों को भी। हा? अच्छा ये बताओ बड़े होकर क्या बनोगे? सुनकर अच्छा लगा। ये बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्यों है ना? सही कहा, अब मैं चलता हूँ। बच्चों भी मैं चलता हूँ। और एक दिन अंतरिक्ष सहयोगी दल से हमारे ग्रह पर कुछ लोग आए। अरे ये कौन है? अरे ये तो जीजी कौन है? ये चीज तो मैंने पहली बार देखी। आखिर ये है क्या? नहीं मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं मालूम। आज हम आपके लिए शानदार तोहफा लाए हैं जिसे आप देखकर खुशी से झूम उठेंगे। अरे मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। केवल कुछ ही पलों में उन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों के लिए पार्क, आसमान छूती इमारत, उन्होंने कुछ ही समय में पूरे शहर को बदल दिया। हमें लगता है इस ग्रह का विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। इन्होंने सही कहा, हम यही करने यहाँ आए हैं। चलो साथ मिलकर विकास की ओर आगे बढ़ें। लेकिन जरा एक मिनट रुको, ये तो तुम्हारे ग्रह के लिए अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? हाँ ये बात सही है, और शुरू शुरू में मुझे भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। हमारे ग्रह की प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन एक दिन मैं पीली पहाड़ी के पीछे गया। मैंने वहाँ देखा पूरा जंगल सूख चुका था, जमीन बंजर हो गई। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ तो हरियाली हुआ करती थी। हाँ कहीं इसके पीछे इन लोगों का तो हाथ नहीं? कुछ समय के बाद मुझे अंतरिक्ष सहयोगी संगठन के लोगों पर शक होने लगा, और जब मैंने इसकी और गहराई से तहकीकात की तो वो तीन लोग जिनका नाम हाइड, मेबा और ऑगन था, वो लोग अंतरिक्ष के खतरनाक डाकुओं के संगठन से थे जो अंतरिक्ष में कहीं दूर छुप कर रहते थे। और इन डाकुओं के सरदार का नाम है इकारोस। मीठी मीठी बातों और झूठी मुस्कान से इन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। अब तक जिस भी ग्रह पर गए हैं उसको बर्बाद कर दिया है, और अब मेरे ग्रह की बारी है। क्या तुमने ये बात किसी को बताई? नहीं, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, इसीलिए मुझे ये बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। दूसरे ग्रहों से कोई मदद नहीं मिली क्या? मिल तो सकती है, पर उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी मदद कर सकें। और हाँ, मैं भी इस ग्रह का इकलौता पुलिस वाला हूँ। एक दिन मैं उनके सारे राज जानने के लिए उनके कंट्रोल रूम में घुसा, क्योंकि मैं अपने ग्रह और उस पर रहने वाले लोगों को उन डाकुओं से बचाना चाहता हूँ। अरे नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो रुको, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए, वो उस तरफ गया है, जल्दी से उसे पकड़ो। इसमें बैठकर बाहर निकलता हूँ। रुक जाओ, जाओ। फिर उन लोगों ने अंतरिक्ष में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, टेलीपोर्ट। मैं उन लोगों को चकमा देकर किसी तरह वहाँ से बच निकला। मैं अंतरिक्ष में इधर उधर भटकता रहा, और एक दिन मेरा विमान खराब हो गया और मैं पृथ्वी पर आ गया। फिर मैंने आप लोगों को बहादुरी से लड़ते हुए देखा। सब तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये कहानी सुनने में मजेदार लग रही है ना? मैं समझ गया, तुम घबराओ मत, ये महान जियान सारे अंतरिक्ष डाकुओं को भगा देगा, ठीक है? पीछे हटो, मेरा नाम सुनियो है। मेरा नाम शिजुका है,
और मैं हूँ डोरेमोन। हम सब हैं अंतरिक्ष के रखवाले। इन सब के लीडर तुम हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। और हाँ, जब युद्ध हो रहा था तब आप सबको बैठे हुए आदेश दे रहे थे। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। डोरेमोन जैसा चल रहा है चलने दो, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। मेरा नाम नोबिता है, मैं तुम्हारे ग्रह की और तुम्हारी रक्षा पूरे दिल से करूंगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। माफ करना, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं अब आप लोगों को अपने ग्रह पर लेकर चलता हूँ। हम लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, हा? क्या रास्ते में हमले का खतरा है? बिल्कुल है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ग्रह पर पीछे की तरफ से जाएं, जहाँ पर उन लोगों की सुरक्षा ज्यादा नहीं होगी। क्या ये हमला डाकुओं ने किया है? यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जरा उधर देखो। क्या ये ही है स्पेस टावर? ये तो बहुत चमक रहा है ना? सही कहा। अरे ये सुनियो कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। हे सुनियो, सुनियो, कहाँ पर हो तुम सुनियो? ठीक है, समझ गया। रेडी स्टडी एंड गो। सुनियो, ये कौन सी जगह है? क्यों दोस्तों, कैसा लगा? सुनियो, ये सब तुमने किया क्या? अरे वो सब छोड़ो, ये देखो कि ये जगह कितनी कमाल की है। क्या बात है सुनियो, मजा आ गया आज तो। इस मौके को गंवाना नहीं है, चलो सभी झूलों की सैर करेंगे। हाँ चलो। वैसे डोरेमोन, मैं भी हमेशा से ऐसे पार्क में जाना चाहती थी जहाँ कोई भी ना हो। शिज़ुका, प्लीज रुक जाओ। जो भी हो जाए, लीडर तो मैं ही रहूँगा। डोरेमोन, ये सब क्या हो रहा है? माफ करना, इसकी वजह ये है कि मेरा विमान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अरे सब लोग कहाँ चले गए? मजा ही आ गया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, एक सपने जैसा। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलो उधर चले। ये दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की तरकीब है। सही कहा ना मैंने? अच्छा तो ये बात है, तुम सब तो कमाल के हो। ये क्या है? अरे ये तो क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? देखना, हटकर जाने ना पाए। बस इतने से इनसे तो मैं ही बात कर लेता हूँ। हमें माफ करना, हम बिना इजाजत के यहाँ आ गए। जियान रुक जाओ, ये लोग यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं। हाँ जियान रुक जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया था। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ तुम्हें क्या करना है। आखिर ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता। अरे वो देखो। वो रहा, इन सब को पकड़ लो। अरे हम लोग अभी शूटिंग के लिए तैयार नहीं है। जियान हटो सामने से। छपने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम जा सामने आ जाओ। दोस्तों, ये लोग भी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना? मिस्टर बर्गर, तुम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, बहुत अच्छे। मैं तो हैरान हूँ, सब कुछ बिल्कुल अच्छा लग रहा है।
अगर इन्हें पकड़ लिया तो मोटा ही नाम मिलेगा। बहुत हो गया अंतरिक्ष के डाकू। हम अंतरिक्ष की शांति को बचाने के लिए हम किसी भी डाकू को नहीं छोड़ेंगे। डायलॉग खत्म होने से पहले ही शूटिंग। अब हम इन लोगों को कैसे हराए? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, अभी हमारे डायलॉग खत्म नहीं हुए थे, तुमने पहले ही बात। डोरेमोन जल्दी करो, जल्दी हो। चल गया। डायरेक्टर साहब, वो लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। हाँ, वो लोग बात भी नहीं सुनते। क्या कहा तुम इन्हें नहीं जानते? इसने कहा तुम अपनी रक्षा खुद ही करो। हाँ, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कहीं ये लोग असली हैं। हाँ, सही कहा। पर कहानी सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ असली होगा। अरे हाँ, अरे नहीं, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। आरोन, यही मौका है अपने आप को असली हीरो साबित करने का। एक और बात, हम लोगों के सूट भी तो असली है ना? बिल्कुल ठीक, हमें आरोन की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जान लगा देंगे। कब जाकर उनको पकड़ो, हम इसके पीछे जाते हैं। चलो। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? ये क्या कर रहे हैं? ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। हमला करो। अब देखो मेरी ताकत को। येलो, बचाओ। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हाँ, मैं हूँ सुपर नोबिता। येलो, तुम यहाँ भी खेलने में लगे हुए हो नोबिता। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों, तुम लोग तो सच में अंतरिक्ष के रखवाले हो। तुम लोगों ने उनका जमकर मुकाबला किया। ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल था। हमारे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये अंतरिक्ष के असली डाकू होंगे। ये यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के भेष में आए थे। अब हमें यहाँ से निकलकर छुपना होगा। मुझे एक जगह पता है। ये गुफा तो बहुत लंबी है। एक बात बताओ, यहाँ कोई नहीं आता? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता, और यहाँ छुपने की एक जगह भी है। हाँ? तुम किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल, तुम बिल्कुल बेकार डायरेक्टर हो। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था। तुम किसी काम के नहीं हो। इसमें इसकी क्या गलती है बताओ? ये हमेशा रोता रहता है। ये उल्टा हमें ही चिढ़ा रहा है। नोबिता, लाइट ऑफ करो। अब ध्यान से देखना। जब भी मुझे कोई बात परेशान करती है, मैं यहाँ आकर उसके बारे में सोचता हूँ। ये हमारी पहाड़ी के पीछे जैसा है। इधर आओ, यहाँ से हम शहर के हर कोने पर नजर रख सकते हैं। पर डाकू तो हमें यहाँ आसानी से देख लेंगे ना? मेरे ख्याल से बाहर से अंदर की तरफ देखना मुश्किल है। हमें छुपने के लिए एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए। सीक्रेट बेस ट्री। ये कैसी छुपने की जगह है? तुम बस देखते जाओ। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। थोड़ा सा पानी, ये ऐसे। अरे नहीं, दोस्तों,
कोई हमें देख नहीं पाएगा, हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। चलो इंतजार किस बात का है। चलो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए सब लोग एक ही कमरा चुन लो। सच कहूँ तो तुम लोगों के पास कमाल के गैजेट्स हैं। ये क्या किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। कोई बात नहीं दोस्तों, उधर उस पेड़ के ऊपर बहुत से फल लगे हैं। क्या सच में? मैं अभी जाकर ले आता हूँ। खाना खाने के बाद जल्दी से सो जाएंगे, वैसे भी बहुत देर हो गई है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों? तुम क्या बोलना चाहते हो? ये सब जो हो रहा है असली में हो रहा है, ये कोई शूटिंग नहीं है। हाँ ये तो सच बात है। अगर हम इस ग्रह पर अब और रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। पर हमने फैसला किया था कि हमें आरोन की मदद करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम इन अंतरिक्ष के डाकुओं से जीत पाएंगे दोस्तों? तुमने देखा नहीं वो कितने कमजोर हैं? मेरे ख्याल से उनका बॉस भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास स्पेशल सूट्स हैं और डोरेमोन के गैजेट्स भी हैं। ये ग्रह मुसीबत में है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ हमें मदद करनी चाहिए। अगर सबको ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे भी हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं, हम यहाँ से सारे डाकुओं को भगा देंगे, है ना दोस्तों? मैंने सही कहा ना? हाँ। देखो ये असली लड़ाई है, इसलिए अच्छे से शूट करना। ये देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे फल लाया हूँ। अरे वाह, अरे वाह, टेस्टी लग रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ये वाला चाहिए। मुझे दो देना। शुक्रिया। क्या मुझे एक और मिलेगा? मम्मा आरोन, नोबिता तुम? नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। नहीं ये तो हमारा फर्ज था। हमेशा से मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, साथ ही लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं पुलिस में भर्ती हो गया। और अब तक मुझे यही लग रहा था कि मैं हर गलत काम को रोक सकता हूँ। वो तो तुम अभी, मेरा बस यही सपना है कि मुझे इस ग्रह के लोगों की मुस्कान की रक्षा हर हाल में करनी है, और यही सबसे जरूरी काम भी है। और अब मैंने अपने दिल में ये ठान लिया है कि अगर कोई भी बाहर से आकर इस मुस्कान को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं पूरी ताकत से उसका मुकाबला करूंगा। आरोन तुम सच्चे हीरो हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास तो तुम लोगों जैसी कोई खास ताकत भी नहीं है। अंतरिक्ष के रखवाले ही सच्चे हीरो हैं, ना कि मैं। आरोन बोलो। वो दरअसल बात ये है कि। क्या बात है? हम लोग
साथ मिलकर किसी भी हालत में इस ग्रह की रक्षा करेंगे। सच नोबिता? उससे मुकाबला करेंगे? वो हमें हराना चाहता है। उसे कितनी गलत फहमी है और तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बॉस बताइए अब क्या करें इनका। ये किसी काम का नहीं था। अब वक्त आ गया है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अगर हमारे रास्ते में आता है तो उसे हटाते चलो, और इस बार मैं कोई भी नाकामी देखना नहीं चाहता, समझ गए तुम लोग? सूरज है? ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। सच में? हाँ, तुमने सही कहा, ये कुछ कुछ वैसा ही है। इससे हमारे पूरे ग्रह को रोशनी और ऊर्जा मिलती है, और ये ना हो तो यहाँ सब बंजर हो जाए और पूरे ग्रह पर सिर्फ अंधेरा हो। कुदरत कमाल की चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें जल्द से जल्द एक प्लान बना लेना चाहिए। ठीक है। ये जो पीला पहाड़ देख रहे हो, यहाँ डाकू चोरी छुप कर कुछ कर रहे हैं, और ये वो पार्क है जहाँ हम कल रात थे, और पानी के बीचों बीच है ये स्पेस टावर जिसमें बना हुआ है स्पेस एयरपोर्ट, और उद्घाटन के दिन इसके आसपास एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ और पता है? जब मैं उनके कंट्रोल रूम में जाँच के लिए गया तब मुझे एक ही बात पता चली। बताओ बताओ क्या पता चला? जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन ये कुछ खतरनाक करने वाले हैं, बस मैं इतना ही जान पाया। अच्छा तो उद्घाटन का दिन कौन सा है? वो दिन कल ही है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है दोस्तों। मैं जल्दी से जाकर यहाँ के लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताता हूँ। अकेले जाने पर खतरा हो सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर नोबिता साथ गया तो फिर तो पक्का खतरा होगा। अपना मुंह बंद रखो, हम हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। सच में नोबिता? क्या बात कही नोबिता ने, यकीन नहीं होता। हमें नहीं पता कि डाकुओं का प्लान क्या है, इसकी अच्छी तैयारी करनी होगी। हाँ, ऐसा करके हम उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तुम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाओगे पर वहाँ खेलना मत। हाँ हमें पता है। और हमें पीली पहाड़ी पर जाना है शिजुका। मैं समझ गई। सुनो नोबिता, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हम स्पेस टावर जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, समझ गए दोस्तों? हाँ। और ये बिछ गया टेबल क्लॉथ, अब सब लोगों के लिए खाना। अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहा है ये खाना, वो भी सुबह सुबह, क्योंकि हमें जीतने के लिए शक्ति चाहिए। टेस्टी दिख रहा है, ऐसा खाना मैं जिंदगी में पहली बार खाने वाला हूँ। अरे अब बस भी करो अपनी बातें, चलो खाना शुरू करें। अब जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने अपने सूट पहनो। सबके लिए ट्रांसपेरेंट क्लॉथ और बैम्बू कॉप्टर्स। यस लीडर। मेरे गैजेट्स की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, तैयार रहो। वाह मजा रहा है। यही अच्छा मौका है। मूड में
म्यूजिक रूम। ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल स्किल। मैं तैयार हूँ, तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। मैं शिजुका, ये बदन, आराम, नोबिता, चलो। ये मजा आ गया। दोस्तों, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरे जैसा लीडर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सुनियो, बातें बंद करो और जल्दी से करो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, मतलब 5 मिनट पहले। ये तो कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये क्या हुआ? अरे नहीं। आखिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यही है हमारा हेड ऑफिस, यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब लोग कल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। देखकर यकीन नहीं होता इस ग्रह पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी ले आया। शिजुका, हमें अच्छे से जांच करनी होगी। हाँ। ऐसा लगता है यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। नोबिता, तुम जरा यही रुकना, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। उनका इंतजार है बस। बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम बहुत ही अच्छी। आराम पूरी हो गई? अरे सर, आप सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात हो गई? कल तुम नजर नहीं आए। लगता है तुम अंतरिक्ष सहयोगी दल के बारे में सोच रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ सर, जैसा मैंने सोचा था वो लोग बिल्कुल वैसे निकले। वो लोग अंतरिक्ष के खतरनाक डाकू हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। उनके खतरनाक इरादे आखिर हैं क्या, बताओ तो। वो तो मैं नहीं जानता, पर कल यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारे जैसे दूर दराज के ग्रह पर विकास करना चाहते हैं। इसमें बुरा क्या है? यही तो उनकी चाल है कि हम उनके खतरनाक इरादों को समझ ही ना सकें। सुनो आरोन, तुम एक पुलिस वाले हो और हर चीज को शक की नजर से देखते हो। इन्होंने ठीक कहा आरोन। ये लोग आरोन की बात को सच क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको नहीं पता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या, मुझे कुछ करना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मेरी बात तुम नहीं मान रहे। कोई तो मेरी मदद करो।
कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया? कल से नहीं आना, ठीक है? जी हाँ। बाय। आपने ठीक कहा। बाय। बाय। सुनो नोबिता, अब हमें अकेले ही। नोबिता कहाँ गया? ये तो नोबिता का है, कहीं वो इसके अंदर। कल के उद्घाटन के लिए हमें एक एक कोना चमकाना। इन्हें नहीं पता कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक कहा। अब क्या करें? हाँ? कुछ दिनों से लग रहा है कि इस झरने का तापमान कम हो रहा है। सही कहा, कुछ तो अजीब है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो चलकर दूसरी जगह की भी जांच करते हैं। पता नहीं सुनियो और जियान इस वक्त कहाँ पर होंगे। वाओ, ये तो कमाल की चीज है। जियान, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? क्या? हे रुको, मुझे तो इस जगह में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। यहाँ इतने सारे कमाल के झूले हैं, बिना सवारी किए मैं रह नहीं सकता। पर तुम्हें नहीं लगता कि हम काम की बजाय खेल रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो दोस्त, हमारा दुश्मन कमजोर है, अगर फिर से आएंगे तो मैं उन्हें धूल चटा दूंगा, इसलिए घबराओ मत। इसे हम लोग देखे कैसे? यह है कौन? शायद ही डाकुओं का ही साथी है। ये तो तुम्हारी तरफ देख रहा है। नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं, ये हम दोनों की तरफ देख रहा है। अब मिला मुझे कोई अपनी टक्कर का, अब आएगा मजा। तैयार हो जाओ जियान पंच के लिए। जियान तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये लो, मैं आ गया। अरे अरे, ये क्या? मेरा हाथ। मैं तो डर ही गया था। तुम ठीक तो हो ना जियान? इसके अंदर से इतनी लाइट क्यों आ रही है? जैसे हमने इनको पकड़ा है वैसे ही दूसरों को पकड़ेंगे। फिलहाल इन्हें बंदी बनाओ, मैं इनसे बाद में मिलता हूँ। जी सर। ओह, आप सबको मेरा नमस्कार, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, आप कल के समारोह में जरूर आइएगा। जरूर आएंगे, इस ग्रह के विकास के लिए हम सबका पहला कदम एक साथ। मैं यहाँ पर कैसे आया? हाँ, अब याद आया, मैं कुएं में गिर गया था। ये सब क्या है? आरोन, चुप रहो। आरोन, वो तो डाकू है। तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता, तुमने इतनी आसानी से इनके गुप्त जगह का पता लगा लिया। वो तो ऐसे ही हो गया, पर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? मैं इसकी मदद से आया। अच्छा, इसकी मदद से, अब समझा। अंतरिक्ष में लॉन्च करना है, उम्मीद है कल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सुनो, ये जो बड़ा सा उपकरण देख रहे हो, इस ग्रह के अंदर जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति हम इसके अंदर भर लेंगे और इन सारी शक्तियों को हम अंतरिक्ष के अंदर छोड़ देंगे। पर उसके आगे नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर किसे पता होगा? वैसे इतनी गहराई में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि ये ग्रह पूरी तरह से सूख जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? कौन है वहाँ? रुक जाओ। मेरा कम लग
लगता है बड़ी जल्दी में हो। हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। अरे मेरा बैच कहाँ गया? भागो यहाँ से। अरे नोबिता सुनो, भाग कर जाओगे कहाँ? छोड़ दो हमें। अभी तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ग्रह की बर्बादी अपनी आँखों से देखो, समझे? तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। ये लोग और हमें रोकेंगे। सुनिए मेवा मैडम, मेरा नाम लेने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। समझ गए। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जियान, सुनियो, तुम दोनों यहाँ उठो। इसमें तो ग्रह का तापमान कम होता दिखाई दे रहा है, ये जरूर डाकुओं का ही काम होगा शिजुका। डोरेमोन ये देखो, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब नोबिता को कुछ हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि ये नोबिता का ही है? इतनी जरूरी चीज को आसानी से खो दिया, ऐसा काम नोबिता के अलावा और कौन कर सकता है, बताओ मुझे। अच्छा डायरेक्टर, हमें दिखाओ कि नोबिता इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त ये दोनों कहाँ हो सकते हैं? हाँ, जियान और सुनियो उसके साथ ही है। अरे ये क्या, मुझे लगता है डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया है। शूटिंग कैमरास कहाँ पर है? वो लोग स्पेस टावर के नीचे बंद है, चलो जल्दी उनकी मदद करें। मॉर्टियस, जल्दी मेरे पीछे आओ। हम पहुंचने ही वाले हैं। डोरेमोन और शिजुका हमें बचाने जरूर आएंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे उन दोनों पर पूरा यकीन है। आरोन को अभी भी लगता है कि हम असली हीरो हैं। यही ठीक है, हमें आरोन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाइड, मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो एक पुलिस वाला कैद में कैसे फड़फड़ा रहा है। इन लोगों को कैसे रोकूं? अब मैं क्या करूं? डोरेमोन, ये आवाज कैसी है? ये सब हो क्या रहा है? डोरेमोन, मैंने कहा था ना कि वो लोग आएंगे और वो आ गए। मैं कुछ करता हूँ। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? और हम क्या करो? मैं यहाँ हूँ। अब बच के काम से। गेम ओवर। अब बचो। डोरेमोन, जल्दी से सबकी मदद करो। ठीक है। सुपर डोरा केक। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। डोरेमोन, तुम ठीक तो हो? लग तो नहीं रहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में। डोरेमोन, नहीं, बहुत हुआ। अब इसे कभी मत घुमाना, समझे? ये तुम्हें कहाँ मिला? चलो यहाँ से निकल चले। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे कुछ ना करूं, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जल्दी जवाब दो वरना।
इन सब में बड़ा मजा रहा है। ये तुमने किया? ये कहाँ से आया? ये मेरा पीछा क्यों पड़ा है? यही मौका है, चलो चले, जल्दी मेरे पीछे आओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम चले, बाय बाय। नोबिता, फिर से तुम्हें जीरो नंबर मिले हैं। मैं नोबिता नहीं हूँ, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये क्या था? समझ गया, वो मुझे बुद्ध बनाकर निकल गए। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना? सच मुझ यहाँ बैठना तो बहुत अच्छा लगता है। अरे बाप, सच में दादाजी? हाँ सच में, सूरज को देखो कितना चमकदार है। तुम पूरी तरह से नाकाम रहे। तुम्हें तो कोई काम नहीं सौंपना चाहिए। मुझसे ऐसे बात मत करो। देखो बॉस, आप चिंता मत करो, हमारे प्लान के मुताबिक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, दिखाओ। बॉस, इस उपकरण से आप सारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। कल जैसे ही समारोह शुरू होगा, इस ग्रह की सारी शक्तियाँ हमारे कब्जे में होगी। फिर आप इस उपकरण की मदद से बनाए हुए प्लान को शुरू कर सकते हैं। बस यही काम तुमने ठीक से किया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब इनकी खुशियाँ दुख में बदल जाएंगी। मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। वो तारा जो हीरे से बना हुआ है, उसकी चमक अद्भुत है। उस ग्रह के बीच में एक लाल गोला है जिसकी शक्ति बेमिसाल है। उसे खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगा और अंतरिक्ष के डाकुओं में हम सबसे पहले होंगे जो उस खजाने को लूट पाएंगे। कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, वो खजाना हमारा हो जाएगा। सुनो सब लोग, हमारी योजना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप समझ में आ गई तुम सबको? मैंने तो पहले ही कहा था कि अंतरिक्ष के डाकुओं से लड़ना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी बात आगे सुनता कौन है? हम यहाँ पर सिर्फ एक मूवी बनाना चाहते थे, इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत ही क्या थी? क्या है? अरे नहीं। चुप हो जाओ, ये सब सच है, ठीक है? हम लोग असली हीरो नहीं है, हम तो शुरू से ही सिर्फ एक मूवी बना रहे थे और हमारी मदद इसने की थी। यही हमारी मूवी का डायरेक्टर है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुंह क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें सच बता देना चाहिए। दोस्तों, अब हमें घर चलना चाहिए, चलो चलते हैं। तो वो जो मैंने देखा था, परेशान मत हो। सच बोलकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब सोच क्या रहे हो? चलो घर चलते हैं दोस्तों। आखिर सब लोगों को हुआ क्या है? मैं नहीं जा सकता, मुसीबत के बीच इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम? इस ग्रह का नामो निशान मिट जाएगा, हमारे सिवा आरुण की मदद कौन करेगा? लेकिन नोबिता, हम लोग असली हीरो नहीं हैं। तुम लोग भी कुछ बोलो। सुनियो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मेरी नजर में तुम लोग असली हीरो हो। जब मैं अकेले उन डाकुओं से मुकाबला कर रहा था, तब मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, पर जब मैं आप लोगों से मिला, तब मुझे नई उम्मीद दिखाई दी और मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया। कितनी बहादुरी से आप लोगों ने सुरक्षा कर्मियों का डट कर सामना किया। तो आप लोग नकली हीरो कैसे हो सकते हो? काश मेरे ग्रह के लोग भी हमारे साथ होते, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। ठीक कहा। मैं भी यहीं रुकूंगा।
मैं इन लोगों से हार कर वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों। मैं भी इस ग्रह के लोगों को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। जियान, शिजुका, और मैं तो हमारे ग्रुप का लीडर हूँ, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ, बताओ मुझे। तुम दोनों भी बहुत बढ़िया। और तुम क्या कहते हो सुनियो? मैं ये बात मानता हूँ कि इस ग्रह के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग हीरोज नहीं हैं, ये भी सच है, समझे? तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अब जब सब लोग रुक ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी रुक ही जाऊँ दोस्तों। ये की ना असली हीरो वाली बात। आरोन, हाँ बोलो। हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस ग्रह के लोगों की मुस्कान को कुछ नहीं होने देंगे। सही कहा दोस्तों, कल का दिन बहुत खास है, इसलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खाने पीने की सारी तैयारी हो गई है। तो बहुत ही अच्छी बात है। यार कितना मजा आ रहा है ना। हाँ। तुम क्यों उदास हो? पता नहीं आरोन क्यों नहीं आया। परेशान मत हो, वो जरूर आएगा। तुम सच बोल रहे हो? मुझे खुशी है कि आपने इतना अच्छा इंतजाम किया है। हमारे पास इस ग्रह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक अच्छा सा प्लान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, समारोह शुरू होने में केवल 2 घंटे बचे हैं, और जैसा हमें बताया गया था कि इनके बॉस आने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। क्या कोई समस्या है जी? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जैसे ही समारोह शुरू होगा हमारे बॉस पहुंच जाएंगे। उनके पास आपको देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ साथ इस ग्रह के लोग भी उसका आनंद लेंगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर ऐसी बात है तो हमें आपका तोहफा कबूल है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, जैसे भी इस ग्रह पर कौन आने वाला है, हमने तो इनका सब कुछ लूट लिया है। हम चलने के लिए तैयार हैं। जी सर। ठीक है, आखिरी बार चलकर उस उपकरण को जांच भी लेते हैं। मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें एक बात पता है कि इस ग्रह की शक्ति को निकाल लिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द उस डिवाइस को खत्म करना होगा जो स्पेस टावर के नीचे लगा है। हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। उनमें से एक से वैसे भी मुझे पुराना हिसाब चुकाना ही है। मैं तैयार हूँ। और अब मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। तुम हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। इस ग्रह को हर हालत में बचा के रहेंगे। हाँ? हमने अपनी सूट की शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है, हमें अपने हुनर को और बढ़ाना होगा, समझे दोस्तों? अंतरिक्ष को बचाने के लिए हम तैयार सब तो ठीक है, पर मेरा हुनर इतना खास नहीं है। चिंता मत करो, बीच बीच में मैं मदद करता रहूँगा नोबिता। डोरेमोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सबसे पहले हमें टावर के बेस को कमजोर करना होगा। ठीक है। ये बच्चे तो फिर से आ गए। कहाँ हो तुम दोनों? इस बार इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। चिंता मत कीजिए बॉस। इनको संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम तैयार हो? ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। मुझे इस ग्रह की ताकत जल्द से जल्द चाहिए, इससे पहले कि ये बच्चे मेरे लिए मुसीबत खड़ी करें। तुम्हें यकीन है वो टावर के नीचे ही है? हाँ, मैंने कल नोबिता के साथ देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। तो ठीक है, जल्दी से नीचे चलते हैं। तुम? अरे नहीं। तुम्हारा इंतजार तो मैं बहुत देर से कर रहा था। किस चीज की तैयारी कर रहे हो बच्चों? सबसे पहले तुम इधर आओ। आरोन को छोड़ो,
मुझे छोड़ो, पीछे हटो। बच्चे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। बढ़िया नोबिता, तुम उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। अरे नहीं जियान, कैसे हो? आज मैं हिसाब चुकाने आया हूँ, देखो मेरी पूरी ताकत। अरे बढ़िया जियान, ये तुमने कैसे किया बताओ? ये तो कुछ भी नहीं था, आगे देखना। अब मेरी बारी है, इससे बचो। अरे ये मेरे पास कैसे आ गई? इसे जल्दी से उतारता हूँ। उतर जा। डोरेमोन, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम जल्दी से वहाँ जाकर उनको रोको, समझ गया? जल्दी जाना होगा। ठीक है। ये कौन सी जगह है? तुम खुद ही मेरे पास चले आए, ये तो अच्छी बात है। ये कौन बोला? तो तुम हो अंतरिक्ष के रखवाले जिसे आरोन अपने साथ लाया है। तुमने सही समझा, मैं अंतरिक्ष का रखवाला हूँ, मेरा नाम नोबिता है। तुम डाकू के सरदार हो ना? तुमने ठीक पहचाना, तो क्या बिगाड़ोगे मेरा? जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो और इस ग्रह को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। अगर मैं ना जाऊँ तो ठीक है, जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। अगर बॉस को पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। उनका तो पता नहीं, पर मेरी ताकत के आगे अब तुम लोग टिक नहीं सकते हो, समझ गए? मेरा नाम है शिजुका और हम हैं अंतरिक्ष के रखवाले। अंतरिक्ष के रखवाले? तुमने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया बचने का। ये क्या है? अंतर पंतर, देखो मेरा मंतर, हॉट वाटर बीम। अरे ये क्या है, कोई बचाओ मुझे, मैं पिघल रही हूँ। आगे किसी को परेशान मत करना। पता नहीं हम ये सब रोक पाएंगे या नहीं। हमारी पिछली बार की लड़ाई का चाहे जो नतीजा रहा हो, लेकिन आज जियान तुम्हें सबक सिखा कर रहेगा। मेरी स्पेशल स्किल है बेशुमार थप्पड़। तो अब हुआ मुकाबला बराबर, आगे से मुझसे भिड़ने से पहले सोच लेना। मेरी मॉम को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। मुझे ये सब सिखाने के लिए मैं मॉम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, चलो चलो चलो। ये पूरी तरह से भरने वाला है, मुझे अब बॉस से मिलने जाना चाहिए। जमीन के नीचे से हमारी तरफ कोई चीज आ रही है। ये जरूर वही लोग होंगे, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से हमले की तैयारी करो। ये लोग बिना बच्चे तो बहुत बहादुर हो तुम, पर हार तो तुम्हें माननी ही होगी। यहाँ मैं तुमसे हारने नहीं आया हूँ, मैंने वादा किया था मैं इस ग्रह को बचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने आरोन से वादा किया था यहाँ के लोगों की मुस्कान की रक्षा करूंगा। पहले तुम अपनी रक्षा तो कर लो। ये क्या? अरे मेरे अंदर इतनी फुर्ती कैसे आ गई? ये लो बच्चे, मजा चखाता हूँ तुम्हें। अब तुम्हारे बार का मुझ पर। मेरे तरफ ज्यादा ताकत नहीं रही, मुझे उस ग्रह का लाल गोला चाहिए, किसी भी कीमत पर लाल गोला। क्या यही डाकू का सरदार है?
पर ये तो देखने में बहुत बूढ़ा और कमजोर है। अगर मैंने इसे हरा दिया तो मैं इसके बुरे इरादों को रोक सकता हूँ। मुझे वो लाल गोला ला कर दे दो। मेरे साथी कहाँ है? कोई तो मदद करो मेरी। पर नोबिता ब्रू, ये लो। अरे नहीं, बात नहीं बनी। लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। एक बार और कोशिश करता हूँ। सुपर नोबिता तितली तारा पहाड़। मुझे जहाज की स्पीड को बढ़ाने दो। चीज है सीढ़ियाँ से रहा नहीं जा रहा। बस अब सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं और फिर मेरे पास बहुत सारे डायमंड्स होंगे और मैं अंतरिक्ष डाकुओं में सबसे ज्यादा माला माल हो जाऊंगा। चलो 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 चलो। अरे वाह, मिल गए। हमारे पास कोई सही सा गैजेट नहीं है। डोरेमोन, मुझे अपने सारे गैजेट्स दिखाओ। ये लो। अब देखना मेरा कमाल। ठीक है, अब सब इसमें बैठो। चलो। ये इनके पास कहाँ से आया? अरे वाह, क्या बात है, क्यों है? ये तो हवाई करतब है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों का तोहफा है हमारे लिए। अब ठीक कहते हैं। कब तक पीछा करोगे? ये लो। ये किसने किया? अरे नहीं। मेरा स्पेशल जाल कुछ भी काम नहीं कर रहा। प्लीज कोई काम की चीज बाहर निकालो, वरना मैं इस ग्रह को बचा नहीं पाऊंगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस छोटे से ग्रह में आखिर क्या बात है जो तुम इसे बचाना चाहते हो? अगर ये ग्रह खत्म भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, बताओ? हाँ पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है और अब तुम्हें भी पड़ेगा। मैंने कर दिखाया? क्या मेरे पास अभी भी इतना वक्त है कि मैं लॉन्च को रोक पाऊं? कितनी देर से हो गई? हमें तुमसे कुछ पूछना है, जल्दी उठो अब। ये थोड़ी देर में उठ जाएगा। इसे जल्दी उठाकर इनकी योजना के बारे में पूछना चाहिए। ये लोग सिर्फ अपने बॉस की सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमें कुछ सच बताएगा। काम बन गया। इनके प्लान की जानकारी कहाँ है पता चल गया है। तुम्हें क्या पता चला? वो लोग इस ग्रह की शक्ति को इस्तेमाल करके डायमंड स्टार के सारे डायमंड्स को लूटना चाहते हैं। क्या कहा? डायमंड? वो तो यहाँ का सूरज है। ये बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे ग्रह का तारा एक ऐसा तारा है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सख्त और हीरों से बना है। अब तक जिसने भी इसको लूटने की कोशिश की है वो इसकी तेज रोशनी की वजह से इसके पास कभी नहीं पहुंच सका। तुमने जो भी कहा अगर वो बिल्कुल सच है तो ये बहुत चिंता की बात है। अरे दोस्तों, हमारे पास वक्त कम बचा है। वो लोग काउंटडाउन को शुरू करने वाले हैं और अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। अब क्या करें? क्या उसे रोकने की कोई तरकीब है? मैं देखता हूँ, इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। उसे सिर्फ रोका जा सकता है इस उपकरण की मदद से, जो कि अंतरिक्ष डाकुओं की शिप में है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उस तक किसी भी हालत में पहुंचना होगा। वो शिप इस वक्त कहां पर है? इस वक्त वो डायमंड स्टार के पास है, जिसकी यहां से दूरी 3 लाख किलोमीटर के आसपास है। ये तो बहुत दूर है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है? सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए।
लगता है काम बन गया। इधर जाओ के उधर जाओ। दोस्तों मुझे पता है तुम सब लोग मेरी चिंता कर रहे होगे। अरे हाँ, नोबिता को तो हम भूल ही गए थे। वैसे तुम इस मुश्किल की घड़ी में कहाँ चले गए थे बताओ? मैं डाकुओं के शिप में था। कैसे पहुँचे? जल्दी जवाब दो। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। जो तुम लोग देख रहे हो इसकी हम तैयार हैं। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, हमें बाहर ले चलो अभी। सब लोग अलग अलग जाओ। हम ढूंढ क्या रहे हैं ये तो बताओ मुझे। हम इसे ढूंढ रहे हैं। ये क्या चीज है? इसी की मदद से हम सब कुछ रोक सकते हैं। 5 मिनट बचे हैं। अरे नहीं। करो। अरे नहीं, 30 सेकंड बचे हैं। चिंता मत करो, हम आखिर तक हार नहीं मानेंगे दोस्तों। देखो प्लूटो और डायमंड स्टार। अंदर छुप जाता हूँ, मुझे इसकी मदद से उसे चालू कर देना चाहिए। 10 सेकंड बचे हैं। अब वक्त आ गया है। 5, 4, 3, 2, 1। सबको बहुत बधाई हो। तो क्या हम इसी उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे? लगता तो यही है। नहीं किया तो ग्रह खत्म हो जाएगा। सॉलिड सॉलिड लाइट का असर सिर्फ 5 मिनट तक ही रहता है। क्या? अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से अंधेरा कहाँ से हुआ? क्या होगा? हमसे गलती हो गई है, हमें आरोन की बात माननी चाहिए थी। अरे हाँ, क्यों ना हम डायरेक्टर बर्गर का क्विक रिवर्स फंक्शन इस्तेमाल करें। मिस्टर बर्गर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ग्रह और तारे को पहले जैसा कर दीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। बटन दबाओ। अरे वाह, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा वक्त जरूर लग गया, लेकिन इस ग्रह की शक्ति वापस आ गई है। जो मेहनत करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। मैं आप सभी का शुक्रिया कैसे करूं, समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, हमें शुक्रिया मत कहिए, आपको इसे शुक्रिया कहना चाहिए। माफ करना आरोन, हमें तुम पर विश्वास करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब हमारा ग्रह डाकुओं से सुरक्षित है। अरे मुझे भी तुम लोगों से दोबारा मिलकर खुशी हुई। आरोन, हाँ, हमने बचा ली है ना? क्या? तुम सबकी कीमती मुस्कान। शुक्रिया। हाथ पकड़ के हम उड़ते जाए, प्यार की खुशी हम बांटेंगे। सबसे आगे हमारा दोस्त है। ये देखो। हाँ, इस तरह ऐसे करना है और फिर
आराम, तुम भी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते। Ah!